करून व्यसनमुक्त राजेंद्र पाटील यांची कौतुकास्पद कामगिरी। व्यसनात बुडालेल्या एका तरुणाला पोलीस निरीक्षकांनी व्यसनातून बाहेर काढले। माणगाव येथील एक तरुण व्यसनाच्या आहारी जाऊन सर्वस्व हरवून बसला होता। व्यसनात पूर्णपणे अडकलेल्या या तरुणाला पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनी योग्य मार्ग दाखवत व्यसनातून मुक्त केले। व्यसनात बुडालेल्या अब्रारला बाहेर काढण्याची किमया माणगाव पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील यांनी केली आहे। पाटील यांनी अब्रारच्या अंगी असलेल्या गुणांची पारख केली आणि त्याला व्यसन मुक्ती केंद्रात पाठवलं, मार्गदर्शन केलं। अब्रार आता आपल्या कुटुंबात प्रतिष्ठा आणि सन्मानानं जगतोय। अब्रारच्या कुटुंबियांनी झालेला सकारात्मक बदल पाहून PI राजेंद्र पाटील यांचे आभार मानले। मेरा नाम अब्दुल अजीज ताज है, मैं एक गरीब इसमें ये हुआ हूँ। मेरा एकुलता एक लड़का था जिसका नाम था अब्रार। वो अपने मित्रों के साथ में कुछ चार पाँच साल से इतना व्यसन में डूब गया था कि जबरदस्त उसको व्यसन लगा था। ऐसे करते करते चार पाँच साल के साल में इसमें उसने बहुत सा व्यसन करके उल्टा सुलटा दोस्तों के साथ में झगड़ा फसाद, गाँव वालों के साथ में झगड़ा फसाद, इतना व्यसन करता था कि उसको खुद की पहचान नहीं रहती थी। ऐसे हालत में मैं परेशान हो गया था और चार पाँच साल से मैं पुलिस स्टेशन के इसके उसके चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे को सही रास्ता नहीं मिला। एक दिन अचानक जो अपने मेरे गांव के मेरे रिश्तेदार हैं इमरान डावलारकर को, जो गरीबों से मदद रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, उनके साथ में बैठा तो उन्होंने बताया मेरे को कि अपने एक मित्र है जो अभी नए साहब आए हैं, जो मानगांव पुलिस स्टेशन में PI साहब है राजेंद्र पाटील साहब, तो उनके साथ अपन जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और कुछ बात से सलाह मशवरा करेंगे। तो एक दिन हम लोग दोनों साहब के पास मानगांव पुलिस स्टेशन में आए थे, तो सबसे बड़े मेरे राजेंद्र पाटील साहब जो है, उन्होंने मेरे को पूछा आपको लड़के कितने, बोला एक ही लड़का है और पाँच साल से मेरे को परेशान कर रहा है, इतना व्यसन कर रहा है कि वो खुद की पहचान भूल जाता है। उस टाइम गाँव वालों को, घर वालों को, दोस्तों को, एक बार उसने व्यसन कर लिया तो खुद की पहचान भूल के कुछ भी करता था, जान की परवाह नहीं थी। तो साहब ने मेरे को थोड़ा सा सलाह दे के ये किया है, बोले अब की बार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं ऐसा एक ये सॉल्यूशन निकलता हूँ जिससे वो अच्छा हो जाएगा। तो साहब ने मेरे को बिठा के थोड़ा सा दिलासा दिया और उसके बाद PSI राजेंद्र पाटील साहब ने इतना मेरे लिए योगदान दिए है कि वो खुद उसका व्यसन मुक्ति केंद्र में एडमिशन किए, दोनों तरफ से मेरे को मदद की है, आज वो माली हालत से भी और उनके सरकारी इससे भी मेरे को मदद की है। तो 50 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मानगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक गरीब को सहकार्य करने वाले, ये पहले ही एक ईश्वर रूप से मैं उनको आज भी उनके सामने मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे गरीब के लिए एक ईश्वर रूप से वो वरदान ये सबसे साहब है और हमेशा वो ऐसा करते रहेंगे, ऐसे दिल उम्मीद रख रहा हूँ कि ऐसे साहब जिंदगी में देखने एक बार मिलते हैं। तो आज मेरा लड़का उस व्यसन मुक्ति केंद्र से बहुत आज़ाद हुआ है, अच्छा परिवर्तन आया है और एक इंसान के जीवन से वो हर गाँव वालों को, घर को, सब ऐसे उसमें वो जो बदलाव आया है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया में मेरे को सबसे सहकार्य मिला है वो राजेंद्र पाटील साहब मानगांव के जो PI है, मैं मानता हूँ कि उनके अंदर एक भगवान का ही रूप है। माझ्याकडे जुन्या मानगावमधून इमरान भाई आणि त्यांचे वडील अजीज ताज म्हणून आहेत, त्यांच्याकडून तक्रार आली की त्यांचा मुलगा जो अब्रार आहे तो खूप व्यसनाधीन झालेला आहे, आईवडिलांना त्रास देतो, शेजाऱ्यांना त्रास देतो, आजूबाजूचे सगळे वैतागलेले होते, त्रासलेले होते। तर त्या मुलाकडे मी स्वतः जाऊन चौकशी केली असता मला त्याच्यात कुठंतरी एक संस्कारीपणा किंवा माणुसकी दिसली आणि या मुलाला जर आपल्याला व्यसनातून बाहेर काढता आलं त्या दृष्टीने प्रयत्न करू असं म्हणून त्यांचे वडील आणि इम्रान भाईंना मी बोललो आणि त्या दृष्टीने आम्ही त्याला जे पनवेलचं व्यसनमुक्ती केंद्र आहे जीवनदायी यामध्ये पाठवलं आणि आज त्याच्यात खूप मोठा फरक जाणवतोय, तो स्वतः व्यसनातून मुक्त झालाय आणि समाजाला तो शिकवतोय की आपण व्यसनापासून कसं दूर राहावं। त्यामुळे कुठंतरी एक आम्हाला कायद्याच्या चाकोरीत न राहता कुठंतरी समाजासाठी किंवा त्याच्या बाहेर येऊन एक चांगलं काम करण्याचा या योगाने एक संधी मिळाली। त्याच्या वागण्या बोलण्यात कमालीची सुधारणा झाली असून हा तरुण त्याचं आयुष्य आनंदाने जगतोय। धम्मशील सावंत, संवाद मराठी, लाईव्ह, माणगाव। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, CCTV ची नजर,
आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54.